ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम सिंह राशि वालों के जीवन के बारे में ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आपके जीवन में घटित हो रही हैं, आगे घटित होंगी। साथ ही आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, किस क्षेत्र में आपको अधिक उन्नति मिलेगी और साथ ही आपके जीवन में आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, संतान का, स्वास्थ्य का और आपके जीवन साथी के साथ आपके कैसे संबंध रहेंगे। अब अभी कुछ महीने पहले मैंने सिंह राशि के लोगों के बारे में एक वीडियो बनाया था, लोगों ने बहुत पसंद किया और लोगों ने बहुत विस्तार से उसको बताने के लिए आग्रह किया। मैंने समय आने पर बताने के लिए कहा था। आज मैं सिंह राशि वालों का भाग दो विस्तार से बताऊंगा, आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। अब चूंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, सूर्य ग्रहों का राजा होता है, इसी प्रकार सिंह राशि के जो लोग होते हैं ये राज तत्व वाले होते हैं। सिंह राशि वालों का सुगठित शरीर होता है, हष्ट पुष्ट इनका बदन होता है, माथा चौड़ा होता है, सिर में बाल इनके कम ही होते हैं और गोल चेहरा होता है, आंखें मध्यम लेकिन बहुत तीक्ष्ण दृष्टि होती है। ये जीवन में अपने बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और आप देखोगे कि सिंह राशि के लोग बड़ी जल्दी अपने काम में सफलता भी प्राप्त करते हैं। एक तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये समय के बड़े पाबंद होते हैं। आराम हराम है, काम पहले आराम बाद में। तो ये जो इनके जीवन का मूल मंत्र होता है यह इनको बहुत आगे तक ले जाता है। सिंह राशि वालों का जो जीवन होता है बचपना, वो थोड़ा संघर्षमय होता है। ये जीवन में बहुत कुछ करने की सोचते हैं और धीरे धीरे चूंकि इनके परिवार में इनको हर तरह की सुख सुविधा मिलती है, इनके पिताजी अपने सुखों को कम करके इनके लिए शिक्षा दीक्षा जो भी इनकी ज़रूरत होती है वो देते हैं। अब चूंकि सिंह राशि के लोग के भाई कम ही होते हैं, यदि इनके भाई हैं भी तो थोड़ा भाई से इनके विचार कम मिलते हैं, लेकिन परिवार के अन्य लोगों के लिए ये बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ त्याग भी करते हैं। आगे चलकर उसका परिणाम ठीक ही निकलता है, लेकिन जब सिंह राशि के लोग अपने जीवन में कुछ करने के लिए ठान लेते हैं तब ये पीछे नहीं हटते हैं। यही कारण है कि सिंह राशि के लोग नेता, राजनीति, फिल्म एक्टर, वकील, डॉक्टर, जज, इन सब क्षेत्रों में ये बहुत विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। इनके जीवन की एक विशेषता यही होती है कि बचपन से ये अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत अग्रणी होते हैं। ये जो एक बार पढ़ लेंगे वो इनको हमेशा याद रहती है। क्योंकि सिंह राशि शरीर में हड्डियों का मालिक होता है और ये हृदय का भी मालिक होता है, इसलिए सिंह राशि वालों की हड्डियाँ बहुत मजबूत होती हैं। और ये भी देखा गया है कि ये स्वास्थ्य के मामले में बड़े भाग्यशाली होते हैं, निडर भी होते हैं और जो भी इनके दुश्मन हैं वो इनसे इसलिए भय खाते हैं कि ये अपने दुश्मन को बड़ी आसानी से परास्त कर देते हैं। इसी कारण से सिंह राशि वालों का जब जीवन जैसे बचपना, पढ़ाई लिखाई, अब ये चूंकि क्या है कि फिजूल खर्ची इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती है, बचपन में ये बड़े समझदार
बहुत सूट बूट से रहने वाले बड़े शौकीन प्रवृत्ति के होते हैं। स्कूल में भी ये पढ़ाई लिखाई में अग्रणी होते हैं। आप देखोगे कि सिंह राशि के बच्चे अपने क्लास में कभी पीछे नहीं बैठेंगे। ये इनका एक व्यक्तित्व आचरण होता है कि ये अपने अध्यापक के पास वाली सीट पर ही बैठकर पढ़ाई करते हैं और अध्यापक के नज़रों में ये विशेष तौर पे पहचाने जाते हैं। किसी दिन कारणवश अगर ये स्कूल ना आवे तो अनायास ही इनके अध्यापक इनकी खोजबीन के बारे में अन्य दोस्तों से, इनके मित्रों से पूछते हैं। तो इसी तरह से सिंह राशि वालों का ये जो व्यवहार होता है, ये सेवा भाव ज़्यादा करते हैं, दूसरों की सहायता करके इनको विशेष प्रसन्नता होती है, इसीलिए इनके मित्रों की संख्या जो होती है बहुत अधिक होती है। अब ये बात अलग देखी गई है कि मित्र इनके उतना सहयोगी नहीं होते हैं, लेकिन यह है अपने मित्रों का समय समय पर सहायता करते ही रहते हैं। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब सिंह राशि के व्यक्ति को आप देखोगे तो आप इनको बड़ी आसानी से पहचान लोगे। ये अधिक ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत नपा तुला बातचीत करते हैं और जो बोलते हैं ठोस बोलते हैं, सत्य के पुजारी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, इसलिए यह अपने बातचीत में अपनी मर्यादा का विशेष ध्यान रखते हैं। यह अपने घर में भी माता पिता के लाडले होते हैं, लेकिन ये अपने माता पिता, चाचा इत्यादि की भी भरपूर सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। इस तरह से इनके परिवार के सभी लोग इनके ऊपर विशेष स्नेह रखते हैं। धन के मामले में देखा जाए तो सिंह राशि के लोग बचपन से ही ये कुछ ना कुछ धन बचाते रहते हैं। इनको जो पॉकेट मनी मिलती है पढ़ाई लिखाई के दौरान, स्कूल आने जाने का, ये उसमें भी कुछ ना कुछ धन बचाते रहते हैं और यही इनका जो आदत होती है, यह इनके जीवन में आगे चल के बहुत रिच धनी बनाती है। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब आप देखोगे कि सिंह राशि के व्यक्ति खेलकूद में भी बड़े अग्रणी होते हैं। ये खेलकूद में भी अगर सिंह राशि का व्यक्ति टीम में है तो आप मान के चलिए कि ये हारी हुई बाजी जिता देते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको महेंद्र सिंह धोनी नाम बोलता हूँ, उनका भी सिंह राशि है नाम से। तो इस तरह से सिंह राशि के भाई की अपेक्षा इनको बहनें ज़्यादा होती हैं और भाई भी होता है, लेकिन भाई का क्षेत्र अलग होता है। इनके जो भाई होते हैं वो थोड़ा काम कम करना पसंद करते हैं, बातचीत करना आलसी कह सकते हैं हम, लेकिन सिंह राशि के जो लोग व्यक्ति होते हैं ये अपने भाइयों का भी काम करते हैं, अपना भी काम करते हैं और परिवार के अन्य लोगों की भी ये सहायता करते रहते हैं। ये अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हैं। वैसे तो अगर इनका बड़ा भाई है तो वो भी इनका ध्यान रखता है, लेकिन ये किसी भी क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा साहस हिम्मत में पीछे नहीं रहते हैं। यही कारण है कि इनका इनकी बहनें विशेष स्नेह करती हैं और बहनों से ये भी विशेष स्नेह करते हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि सिंह राशि वालों का जो चतुर्थ सुख भाव है वहाँ वृश्चिक राशि बैठती है, तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। यहाँ पे मंगल दंगल कराता है। ये सिंह राशि के लोग दूसरों की दी हुई सुख सुविधा पर ये आराम करना, मजा करना पसंद नहीं करते हैं। यह अपने बलबूते पर धन कमाएंगे, अपने धन से वाहन खरीदेंगे, अच्छा घर बनाएंगे, घर भी अपना मन पसंद, ये कम से कम 2 से 3 घर इनके होते हैं जीवन में। कोई भी घर आप देखोगे कि ये छोटे से घर से शुरू करते हैं, छोटे घर को चेंज करके बड़ा घर, फिर उससे भी बड़ा घर। तो इस प्रकार से ये अपने घर की सुख सुविधा में विशेष दिलचस्पी रखते हैं।
वाहन भी ये जो भी खरीदते हैं ये कभी सेकंड हैंड या पुरानी गाड़ी खरीदना पसंद नहीं करते हैं। देर सही लेकिन दुरुस्त सही, हमेशा नई गाड़ी खरीदते हैं। इनको इनकी माताजी का विशेष स्नेह रहता है, माताजी इनकी हर बात का ध्यान रखती हैं, इनको हर प्रकार के लाड़ दुलार प्यार में माँ के तरफ से कोई कभी जीवन में शिकायत नहीं होती है और ये भी अपनी माँ के आज्ञा के पालन करते हैं, अपनी माँ का हर बात का ध्यान रखते हैं। इनकी माँ ने जो इनको कहा ये वैसा ही करते हैं। मित्रों के मामले में ये मित्रों का समय समय पर सहायता करते हैं और मित्रों की सहायता करके इनको अंदर से एक विशेष अनुभूति सुख प्राप्त होता है। विद्या भाव बुद्धि भाव संतान। अब मैंने आपको बताया कि सिंह राशि के जो लोग होते हैं ये पढ़ने में बचपन से ही बहुत तेज तर्रार होते हैं, ये जिस विषय पे पढ़ते हैं उसमें बहुत गूढ़ अध्ययन करते हैं, परिश्रम बहुत करते हैं और परिश्रम करके ये अपने स्कूल कॉलेज सब जगह नंबर वन ही रहते हैं। ये कभी किसी से पीछे रहना इनको पसंद ही नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये हर काम साफ सफाई से करते हैं, पढ़ाई लिखाई में भी अपने किताब कापी बहुत साफ सुथरा रखेंगे और पढ़ने लिखने के बाद बिल्कुल आलस नहीं करेंगे कि किताब को वहीं छोड़ दो कॉपी को वहीं छोड़ दो, उसको ये चुस्त अच्छी जगह पे रख के सुरक्षित रख के फिर दूसरे काम में लगेंगे। तो इस प्रकार से इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से होती है, अपनी पढ़ाई लिखाई के बलबूते पर ये बड़े बड़े उच्च अधिकारी बनते हैं, सरकार में बहुत नाम कमाते हैं। अगर ये नौकरी पेशा में जाते हैं तो ये अपना मनपसंद नौकरी ही करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो इंजीनियर हो वकील हो या जो भी क्षेत्र में ये जाते हैं इसमें ये सबसे उच्च पद तक अवश्य पहुंचते हैं। रोग शत्रु कर्ज स्थान। अब आप देखोगे कि सिंह राशि वालों के शत्रु, ऐसा नहीं कि शत्रु नहीं होते हैं, शत्रु होते हैं लेकिन कोई भी शत्रु इनके सामने आकर इनको परेशान कर सके ऐसा संभव नहीं है। यह अपने शत्रु को इस चतुराई से परास्त करते हैं कि शत्रु पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, इसी कारण से इनके शत्रु इनसे हमेशा भय खाते हैं। लेन देन के मामले में अगर इन्होंने किसी को धन दे दिया है तो ये समय के पाबंद होते हैं, समय से अगर धन दिया है तो समय से ये पैसा वापस लेते हैं, अगर उसने समय से पैसा नहीं दिया तो फिर ये कठोर व्यवहार अपना दिखाते हैं और अपना धन ये वापस ले ही लेते हैं, भले आगे चलकर इनका उसके साथ संबंध रहे ना रहे लेकिन ये अपने नियम में कोई ढिलाई नहीं देते हैं। वैसे तो सिंह राशि वालों को मामा मौसी आदि का भी सुख प्राप्त होता है, स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो ये युवावस्था तक बहुत स्वस्थ रहते हैं, वृद्धावस्था में इनको थोड़ा आँखों में रोशनी की कमी, चश्मा आ जाना, कंपन आना, सिर दर्द, ये सब समस्याएं आती हैं। अब चूंकि ये बहुत गठीला और मध्यम कद के होने के कारण इनका शरीर हमेशा चुस्त दुरुस्त होता है और ये हमेशा फुर्तीले और साहसी कार्य ही करते हैं। सप्तम घर पत्नी स्थान वैवाहिक सुख व्यापार। अब आप देखेंगे कि सिंह राशि वालों का जो शादी है ये इनके बिल्कुल समय से यानी कि 22-24 वर्ष से लेकर 26-28 वर्ष तक इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद इनका जल्द ही 1-2 वर्ष के भीतर पहली संतान हो जाती है, बाद में इनको दूसरी संतान भी होती है। वैसे इनको संतान की संख्या बहुत अधिक नहीं होती है परंतु 2-3 संतान होते हैं। इनके संतान बहुत ही होनहार सुंदर और बहुत ही हंसमुख स्वभाव के होते हैं। अब जहाँ तक पत्नी की माँ बात देखा जाए तो वैसे तो ये अपनी पत्नी का बड़ा सम्मान करते हैं, उसकी बात का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन चूंकि कामुकता स्वभाव होने के कारण
कभी कभी ये भी देखा गया है कि इनका किसी अन्य स्त्री से भी दोस्ती जान पहचान हो जाती है, जो इनके गृह कलह का बहुत मुख्य कारण बनती है। और आगे चलकर कभी कभी तो इनका इनके जीवन साथी धर्मपत्नी से इस मामले में विवाद भी होता है। लेकिन यह है कि सिंह राशि वाले अपनी पत्नी का हर वो सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, समय समय पे आभूषण कपड़े इत्यादि उसको देते भी रहते हैं और अपनी पत्नी की ये हर बात को मानने की कोशिश करते हैं। अष्टम स्थान दुर्घटना मृत्यु। अब चूंकि सिंह राशि वाले बड़े निडर होते हैं, साहसी होते हैं, वाहन इत्यादि चलाते समय भी ये बहुत तेज गति से वाहन चलाते हैं, लेकिन यह है कि अगर कहीं इनकी राशि का स्वामी सूर्य खराब घर में कमजोर स्थिति में है तो इनको बाएं अंग में चोट चपेट लगने की संभावना रहती है, हड्डियों पे इनको चोट चपेट की संभावना रहती है। लेकिन अगर सूर्य की स्थिति अच्छे कुंडली में बैठी है तो इनको चोट इत्यादि की संभावना ना के बराबर होती है। भाग्य स्थान धर्म स्थान पूजा पाठ। अब चूंकि सिंह राशि के लोग धार्मिक होते हैं, भगवान की पूजा पाठ में इनकी पूर्ण आस्था होती है और ये समय समय पर विशेष पूजा अनुष्ठान इत्यादि करते रहते हैं, घर में भी ये धार्मिक कार्य करते रहते हैं जिसमें परिवार के सभी लोग एकत्रित होते रहते हैं। धार्मिक कार्य करना, धार्मिक कार्य में भोज इत्यादि का आयोजन करना इनको विशेष आनंद आता है और यह सब समय समय पर करते रहते हैं। भगवान से पूजा पाठ में यह अपने किसी भी दैनिक पूजा पाठ में कोई कमी नहीं रखते हैं और समय समय पर भगवान भी इनकी सहायता करते रहते हैं। दशम स्थान पिता मान सम्मान प्रसिद्धि। अब सिंह राशि के लोग अपने नियम के पक्के होते हैं तो कभी कभी ये भी देखा जाता है कि इनका इनके पिता से थोड़े विचार कम मिलते हैं और ये अपना जो सोचा हुआ रास्ता है ये वही काम करते हैं और उस काम को करने के कारण कभी कभी इनके पिताजी कुछ इनको और बनाना चाहते हैं, ये कुछ और बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़े विचारों में कमी आती है, लेकिन यह है कि ये अपने पिता का पूरा सम्मान करते हैं, उनका पूरा स्वास्थ्य इत्यादि का ध्यान रखते हैं और उनको किसी भी तरह की सुख सुविधा में कोई कमी नहीं रखते हैं। इनकी धर्मपत्नी भी इनके माता पिता का विशेष ध्यान रखती है, उनकी सेवा भाव करती रहती है और उनकी आज्ञा का पूरी तरह पालन भी करती है और एक प्रकार से देखा जाए तो इनके माता पिता अपने बहू का भी विशेष ध्यान रखते हैं। तो जो सिंह राशि के लोगों का मान सम्मान के मामले में, तो ये अपने मान सम्मान के प्रति बहुत सतर्क होते हैं, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे इनके मान सम्मान में किसी तरह की ठेस लगे। और ये चूंकि समय के पाबंद होते हैं, हर काम में आलस नहीं करते हैं, ऐसा ये अपने यूनिट के साथ भी चाहते हैं। ये जितने लोगों के साथ काम करेंगे सबको इनकी एक ही इच्छा रहेगी कि सब लोग फटाफट समय से काम निपटाओ, और समय से अगर कोई काम नहीं निपटाता है तो ये नाराज भी बहुत होते हैं, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हैं। इसी कारण से चूँकि ऐसे लोग जिस क्षेत्र में भी जाते हैं तो इनकी कार्य करने की जो प्रणाली होती है उसको देखकर लोग बहुत प्रभावित होते हैं। समय समय पर इनको पदोन्नति मिलने का यही कारण है कि लोग इनके कार्य की सराहना करते हैं और आगे चलकर यदि ये राष्ट्र देश के किसी पद पर हैं तो ये बहुत उच्च पदों तक जाते हैं। इनके पद पर जाने के बाद भी इनको अहंकार कभी नहीं होता है, ये कभी अपनी बड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि कुछ चापलूस लोग हैं जो इनकी बड़ाई प्रशंसा करके इनको अंदर से जरूर ये आनंद होते हैं लेकिन यहाँ पर ये धोखा खा जाते हैं। कभी कभी इनके मित्र इनको
इनके कार्य क्षमता से अधिक इनकी प्रशंसा करते हैं और ये गदगद होकर उसकी कमियों को नज़रअंदाज भी करते हैं। तो इस तरह से ये जहाँ भी रहते हैं ये बहुत दिल के कोमल भी होते हैं। ये सिर्फ दिखने में सख्त होते हैं लेकिन इनकी यही कोमलता इनके अधिकारी कर्मचारी के लोगों को एक विशेष प्रेम भी करता है और लोग भी इनको उसी तरह मान सम्मान देते हैं। लाभ स्थान बड़ा भाई। अब मैंने आपको बताया कि अगर सिंह राशि के लोग व्यापार के क्षेत्र में उतरते हैं तो ये व्यापार में बहुत अटूट परिश्रम करते हैं। एक काम ये छोटे से शुरू करेंगे लेकिन धीरे 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 उसको बढ़ाते जाएंगे और एक दिन ये बहुत बड़े उद्योगपति बनते हैं। आर्थिक स्थिति इनकी इतनी मजबूत हो जाती है कि मैंने आपको बताया कि ये जमीन जायदाद खूब खरीदते हैं, घर मकान बहुत अच्छा ढंग से बनाते हैं। इसके अलावा भी ये वाहन इत्यादि भी महंगी महंगी गाड़ियाँ रखना पसंद करते हैं। भाई के मामले में देखा जाए तो समय समय पर ये अपने भाई की सहायता जरूर करते हैं लेकिन अपने भाई से ये सहायता लेना बहुत कम ही पसंद करते हैं। यात्रा स्थान विदेश खर्च। अब चूंकि सिंह राशि के लोग यात्रा प्रिय होते हैं, यात्राएं ये जीवन में बहुत करते हैं, साहसी यात्राओं का तो इनकी पूरी लिस्ट होती है। पहाड़ों पर जाना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, ऐसे ऐसे दुर्गम जगहों पर ये जाते हैं जहां हर कोई आसानी से नहीं जा सकता है। यात्रा में ये धन व्यय भी खूब करते हैं, किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करते हैं। हाँ ये है कि कभी कभी ये दोस्त यारों के साथ मदिरा पान भी कर लेते हैं, ये आगे चलकर इनके लिए नुकसानदायक ही साबित होता है लेकिन ये उसके शौकीन अगर बन गए तो बड़ी आसानी से उसे छोड़ नहीं पाते हैं। अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाना इनकी विशेष रुचि होती है और साथ ही साथ अपने बच्चे परिवार के साथ घूमना टहलना पर्यटन करना इनकी एक विशेष आदत होती है। विशेष कर ये ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ बहुत बर्फीली जगह हो, पहाड़ से घिरी हो, झरना हो, इस सब जगहों पे इनको विशेष प्रिय होता है। इन सब जगहों पर ये टहलना घूमना खूब पसंद करते हैं। तो मित्रों आज मैंने आप लोगों को सिंह राशि के लोगों के जीवन के बारे में पार्ट टू जो वीडियो बनाया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।